केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय निकालने के लिए। स्मृति जी बधाई, शुभकामनाएं आपको। और पहला सवाल यही, मतलब बतौर पत्रकार पूछ रहा हूं कि 24 के एक्साइटमेंट खत्म कर दिया आप लोगों ने, अब लग रहा है जैसे 24 में क्या रहेगा, अब तो 29 की तैयारी करें इंडिया। स्मृति ईरानी, एक्साइटमेंट खत्म कर दी 24 की आप लोगों ने? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नेस्तो नाबूद हो गया है गांधी खानदान का दुष्प्रचार, 29 में भी कुछ बचेगा? छोटी सी पूंछ बच गई है जो 24 में समाप्त हो जाएगा। नहीं, क्योंकि अब 29 में बचेगा नहीं बचेगा वो तो 29 में पता लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी एक और भविष्यवाणी करी है, हैट्रिक की गारंटी दी है। इनफैक्ट उनकी गारंटी तो देश देख ही रहा है, लेकिन यही पीएम पर ही पर्सनल अटैक भारी पड़े क्या कांग्रेस को? मतलब पनौती कांड ले डूबा विपक्ष को। स्मृति ईरानी जी, देखिए नरेंद्र मोदी के जिस प्रकार से विकास के दृष्टिकोण को जनता ने सराहा है, विषम परिस्थिति में उनके नेतृत्व का जो समर्थन देश की जनता ने किया है, अगर गांधी खानदान को या विपक्ष के नेताओं को खुशफहमी थी कि जनता विषम परिस्थिति में साथ देने वाले इस नेता का समर्थन, सहयोग, नेतृत्व भूल जाएंगे, तो मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा जवाब आज जनता ने ही उस विपक्ष के दल को दे दिया है कि जिसने कोविड के वक्त साथ निभाया, जिसने विपक्ष विकास को नए स्वरूप में परिभाषित किया, जिसने विकसित भारत का संकल्प लिया, अगर भारत को विकसित करना है तो मोदी में रहना है। नहीं, आज लोग आपके बीजेपी के कई साथी सहयोगी ये सवाल पूछ रहे हैं, अब पनौती कौन? लेकिन पनौती कांड ले डूबा पता नहीं, लेकिन आज कांग्रेस के नेता खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ सनातन का श्राप ले डूबा। सनातन का तो श्राप लगा ही है, लेकिन हाँ जिस कांग्रेस पार्टी को लगा था कि एक गरीब अंचल से आए हुए व्यक्ति, ओबीसी परिवार से आए हुए व्यक्ति जो भारत के प्रधान सेवक बनते हैं, उन पर अगर पर्सनल कटाक्ष करेंगे तो वो भी गांधी खानदान को, कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ा। ओबीसी कार्ड मैम, ओबीसी कार्ड, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो पूरे चुनावों में रहा, कास्ट सेंसस, ये रेफरेंडम, उनके लिए भी? मैं विशेष रूप से जनता के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। नरेंद्र मोदी की फिस्कल डिसिप्लिन के लिए उन्होंने समर्थन दिया, नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को उन्होंने समर्थन दिया, और तीसरा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर गांधी खानदान जो बांटने का देश को प्रयास कर रहा था उसको मुंहतोड़ जवाब देश की जनता ने दिया। एक 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 और सवाल, मैं स्मृति जी आपको जाना है मुझे पता है, एक एक आखिरी सवाल, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड वाला जो पूरा चल रहा है, आपने देखा होगा जो कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं और फिर डिलीट करना पड़ा, ये बंटवारे वाला कार्ड, ये जो खेल खेला जा रहा है नॉर्थ साउथ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हर चुनावी हार में गांधी खानदान उत्तर भारत को कोसती है, बहुत ही जल्द नेस्तो नाबूद वो भारत के हर अंश से हो जाएंगे। नॉर्थ साउथ का डिवाइड कहकर गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती, कि ये देश विभाजित है? और इंडिया अलायंस के फ्यूचर को लेकर कोई आखिरी टिप्पणी स्मृति जी, इंडिया अलायंस के फ्यूचर को लेकर? जिसका खुद का फ्यूचर नहीं, उसके अलायंस का फ्यूचर कहां होगा? चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी।